हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं रंजन टेक चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने कॉल लॉग्स को एडिट कैसे करते हैं, ताकि किसी और को ये पता ना चल सके कि हम उस समय किस आदमी से बात कर रहे थे। कई बार क्या हो जाए दोस्त कि अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उसी समय किसी और का कॉल आ जाता है और पूछता है कि आप उस टाइम पर किससे बात कर रहे थे, और हम उसको बताना नहीं चाहते कि हम किससे बात कर रहे थे, फ्रेंड से बात कर रहे थे, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, जिससे भी बात कर रहे थे, हम उसको बताना नहीं चाहते हैं। और वो आपका मोबाइल लेकर चेक करना चाहता है कि आप उस टाइम पे किससे बात कर रहे थे। तो दोस्त, हम क्या करते हैं कि उस टाइम का कॉल लॉग्स को एडिट कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे, रोहन से बात कर रहे थे, और हम चाहते हैं कि उस टाइम हम रोहन से नहीं बात कर रहे थे, किसी और का नाम दिखा दें और किसी और का नंबर उसी टाइम पर दिखा दें, तो ये पॉसिबल है दोस्त। उसी टाइम पर, सेम टाइम पर हम किसी और का नंबर वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्त, हम इसके लिए क्या करते हैं, कॉल लॉग्स को एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जिस एप्लीकेशन का नाम है कॉल लॉग एडिटर। इस एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से कि डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करते हैं। तो दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉल लॉग्स एडिटर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर पासवर्ड सेट ही कर लेते हैं। चार अंक का सेट करना है, 1 2 3 4 मैंने सेट कर दिया यहाँ पर। फिर से हम यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं, ये कन्फर्म मेरा पासवर्ड हो गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है अलाउ कॉल लॉग एडिटर्स, इसको अलाउ कर देते हैं। फिर से यहाँ पर अलाउ कॉल लॉग्स एडिटर, एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। अब जो भी हमारा कॉल लॉग्स था, ये सारे को एक्सेस कर लेगा और उस सारे कॉल लॉग्स को हम यहाँ से आसानी से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जिससे भी बात किया है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है, सारी चीज़ यहाँ पर, सारे नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। कुछ नंबर्स को दोस्त मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। और यहाँ पर जो पहला नंबर मैंने डाल रखा है यहाँ पर 77, इसी को मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ। ठीक है दोस्त, यहाँ पर एडिट करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर टाइमिंग है 14:56 पर मैंने यहाँ पर डायल किया है और आज का डेट है। तो यहाँ पर एडिट करने के लिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर को अगर हमें एडिट करना है तो नंबर को एडिट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, अपने फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स में से भी आप किसी का भी नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर नंबर एंटर कर सकते हैं कोई और नंबर। चलिए दोस्तों, अपने का हम मतलब कॉन्टैक्ट्स बुक से नहीं लेंगे, आप एंटर करेंगे न्यू नंबर, एंटर न्यू नंबर चूज, मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पर मैं इस बार 88 डाल देता हूँ। मैक्सिमम आप दोस्त 15 नंबर का यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 12 नंबर 88 डाल दिया है, एंटर कर देता हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ पर टाइम चेंज करना चाहते हैं, डेट चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। आउटगोइंग को इनकमिंग बनाना चाहते हैं तो इनकमिंग भी बना सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ इनकमिंग पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ड्यूरेशन पूछ रहा है कि आप कितने देर बाद उसे किए हैं, ड्यूरेशन सेट करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर जितना भी ड्यूरेशन सेट करना हो आप सेट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ड्यूरेशन सेट करते हैं, सेट ड्यूरेशन पर क्लिक मैंने कर दिया। और अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपडेट करना होता है, चलिए हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर अपडेट किया है, तो यहाँ पर ऐड आ रहा है, तो इस ऐड को हम बैक कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर से चलते हैं अपने मोबाइल में और चेक करते हैं अपने कॉल लॉग्स को। यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा अपने कॉल लॉग्स को। तो दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 77 था यहाँ पर 88 हो चुका है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर कॉल डिटेल्स भी इसका चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर सेकंड सेट किया था, यहाँ पर वो सारी चीज़ आ रहा है। और जो मैंने आउटगोइंग को इनकमिंग कर दिया था, यहाँ पर इनकमिंग आ चुका है। तो दोस्त, आप इसको ट्राई कीजिए, यहाँ पर कोई फेक नहीं है, रियल है। आप भी एडिट कर सकते हैं अपने कॉल लॉग्स को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्त, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।